हेलो बच्चों, इस क्लास में हम देखेंगे भारत का उपराष्ट्रपति। अच्छा टॉपिक है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इससे बनते हैं, वो देख लेंगे हम क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, और समझ लेंगे पूरा ओवरऑल व्यू। तो उपराष्ट्रपति जो है, सबसे पहली बात इसके बारे में, संविधान का कौन सा भाग इसके बारे में प्रावधान करता है? तो संविधान के भाग 5 में उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किया गया है, और संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और उसके बाद कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अब देखिए, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब इस पदेन शब्द का मतलब क्या होता है, ऐसे समझ लो, पदेन सभापति का मतलब है राज्यसभा का सभापति होना। पदेन का मतलब है एक्चुअली जब कोई व्यक्ति किसी एक पद पर बैठ जाए तो उसे दूसरा पद स्वयं ही मिल जाए, बिना किसी प्रक्रिया के दूसरा पद अपने आप मिल जाए, उसी को कहते हैं हम पदेन। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की शादी हो जाए, तो वो किसी से शादी होती है, किसी एक व्यक्ति से, है ना, किसी का पति या पत्नी बनते हैं, लेकिन बाकी के रिश्ते हैं जैसे सास ननद, बाकी के रिश्ते जीजा साली, ये सब अपने आप बन जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ होता है कि ये जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति अपने आप ही बन जाता है। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा, इतनी बात हमें जाननी है। अब आप समझिए कि जो उपराष्ट्रपति होता है, इसका पद धारण करने के लिए योग्यता क्या क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली योग्यता जो है वो है व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनना चाहता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर यह व्यक्ति नहीं होना चाहिए, दूसरी बात यह है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, लाभ के पद का मतलब है कि उसे सरकार से कोई सैलरी या कोई लाभ न मिल रहा होना चाहिए। एक्चुअली इसमें कुछ लोगों को लाभ के पद के दायरे से बाहर रखा गया है, जिनमें प्रधानमंत्री और सभी मंत्री, भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी राज्यों की कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं और केंद्रीय कैबिनेट के सभी मंत्री, इन सबको लाभ के पद के दायरे से बाहर रखा गया है, ठीक है। तो यानी कि उपराष्ट्रपति रहते हुए कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव दोबारा से लड़ सकता है, उसे इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा देना होगा, ठीक है। चलिए, तीसरी योग्यता जो है वो इस व्यक्ति की उम्र, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स। और जो चौथी योग्यता है वो है कि व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, उसके पास राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसके पास होनी चाहिए। अब राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता का क्या मतलब है, ये समझिए। एक्चुअली वो जो व्यक्ति है वो दिवालिया और पागल नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। यानी कि अगर आप दिवालिया या पागल हैं, दिवालिया मतलब बैंक करप्ट, मतलब आपने बैंक से कर्जा लिया और वो समय से नहीं लौटाया, तो बैंक आपको दिवालिया घोषित कर सकती है, हालांकि बड़े बड़े लोगों को नहीं किया गया है, पर आपको कर सकती है। और पागल अगर आप हैं तो ऐसी स्थिति में आप राज्यसभा का, सॉरी, राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है। तो ये योग्यताएं हैं उपराष्ट्रपति बनने के लिए। पहली बात, व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मैंने बता दिया आपको लाभ का पद, मिनिमम एज, न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, और चौथी योग्यता है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसके पास होनी चाहिए, यानी कि व्यक्ति दिवालिया और पागल नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए, मान लीजिए कि इतनी योग्यताएं रखने के बाद कोई व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, तो सबसे पहली बात, चुनाव कौन करवाता है? देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है,
अब देखो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष का क्या मतलब है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे आप नोट कर चाहे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। समझिए कि इसका क्या मतलब है। देखिए दो तरीके से चुने जाते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से। भारत के राष्ट्रपति को भी अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और उपराष्ट्रपति को भी अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जिसमें डायरेक्ट जनता किसी को वोट देती है, जैसे आपके गाँव में ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, तो ग्राम पंचायत के चुनाव में आपने देखा है कि आप डायरेक्ट ग्राम पंचायत के सदस्य को वोट देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन है, सीधे जनता वोट करती है लोकसभा के सदस्यों को। ऐसे ही यहाँ पर राज्यों की विधानसभा के सदस्य हैं, तो राज्य की विधानसभा के चुनाव भी डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, सीधे जनता वोट करती है। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है और वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव। देखो अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, यहाँ पर सीधे जनता वोट नहीं करती, एक्चुअली जनता चुनती है लोकसभा के सदस्यों को और लोकसभा के सदस्य चुनते हैं उपराष्ट्रपति को। अरे बात समझ में, दूसरी बात समझ लो आप, एक्चुअली यहाँ होता क्या है कि जनता चुनती है राज्य की विधानसभा के सदस्यों को, विधायकों को, और विधानसभा के सदस्य चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। आप देखो उपराष्ट्रपति के चुनाव में दो लोग भाग लेते हैं, एक तो लोकसभा के सदस्य और दूसरे राज्यसभा के सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य सभी सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में दो लोग भाग लेते हैं, राज्यसभा के सभी सदस्य और लोकसभा के सभी सदस्य। अब क्या यहाँ पर डायरेक्ट जनता वोट कर रही है उपराष्ट्रपति के लिए? नहीं करती है। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली जनता वोट करती है, क्योंकि जनता ने लोकसभा के सदस्यों को चुना है और लोकसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति को चुन रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, जो चुनाव होता है, वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। एक और बात, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद है तो उसकी सुनवाई केवल और केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद है तो वो भारत के सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जा सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो किसी व्यक्ति ने योग्यताएं कंप्लीट करनी और वो चुनाव लड़ने के लिए गया, तो चुनाव करवाता है भारत का निर्वाचन आयोग। वहाँ पर वो व्यक्ति अपना पर्चा भरेगा, पर्चा भरते समय उसे कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो वोटर हैं। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मैंने आपको बता दिया है वोटर कौन होता है, केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। अब हम सबको पता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं केवल, यानी कि ये वोटर होते हैं। तो ये कौन होते हैं? विधायक होते हैं। लोकसभा के सदस्यों को भी विधायक कहते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को भी विधायक कहते हैं, सांसद। तो यहाँ पर केवल और केवल सांसद वोट करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अब कम से कम अगर आपको चुनाव लड़ना है उपराष्ट्रपति का, तो कम से कम 20 प्रस्तावक होने चाहिए, यानी कि 20 लोग आपका नाम वहाँ पर प्रस्तावित करें, और यहाँ पर 20 अनुमोदक होने चाहिए, यानी कि जब पर्चा भरने जाएंगे आप तो उस समय कम से कम 20 लोग आपके नाम का अनुमोदन करेंगे, वहाँ पर खड़े होकर साइन करेंगे अधिकारी के सामने, निर्वाचन अधिकारी के सामने, ठीक है। इसके बाद चुनाव होता है, चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये बात मैंने आपको बता दी है। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर इनका चुनाव किया जाता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। ये प्रणाली मैंने आपको राष्ट्रपति वाले टॉपिक में समझा दी थी, आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं कि इनका चुनाव हो जाने के बाद क्या होता है, फिर इन्हें शपथ ग्रहण करवाई जाती है उपराष्ट्रपति को। और इनकी शपथ कहाँ पर ग्रहण होती है? तो ये शपथ ग्रहण किसके समक्ष करते हैं? तो राष्ट्रपति के समक्ष,
या तो राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष भारत का उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। शपथ ग्रहण करने के बाद इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, यानी कि शपथ ग्रहण करने के बाद भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है, और इसके उपरांत भी ये तब तक जब तक कि इसका उत्तराधिकारी न चुन लिया जाए तब तक अपने पद पर रह सकता है। ठीक है, तो 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी उपराष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। कैसे कैसे खाली होगा, तो उसके कुछ तरीके हैं। जैसे पहला तरीका, या तो मृत्यु हो जाए उपराष्ट्रपति की, दूसरा तरीका है या फिर वे अपने पद से त्यागपत्र दे दें। और आपसे क्वेश्चन आ जाए कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र कैसे देता है, तो देखिए उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है भारत के राष्ट्रपति को। शपथ किसके सामने ग्रहण कर रहा था, राष्ट्रपति के सामने, और त्यागपत्र भी किसे देता है, राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने, लेकिन राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र कैसे देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। चलो अब देखो यहाँ पर, यहाँ तो उपराष्ट्रपति का पद खाली कैसे हो सकता है 5 वर्ष से पहले, तो या तो उनकी मृत्यु हो जाए या फिर वो त्यागपत्र दे दें या फिर उन्हें हटा दिया जाए, पद से हटा दिया जाए। अब उपराष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, तो देखो साधारण बहुमत से राज्यसभा उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो सबसे पहले ये जो प्रक्रिया है केवल और केवल राज्यसभा में आती है, उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया। अब होता क्या है कि अगर राज्यसभा ने यह प्रक्रिया पास कर दी साधारण बहुमत से और लोकसभा की मंजूरी इसे मिल गई, लोकसभा सहमत हो, तो फिर ऐसी प्रक्रिया पास हो जाती है और उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाता है। अब आप कहेंगे सर इसके लिए महाभियोग है क्या, तो देखिए उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रावधान नहीं है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ हम इस तरीके से इन्हें इनके पद से भी हटा सकते हैं, ये चीज़ हमें जाननी है। अब एक बात समझिए, मान लीजिए इन्हें इनके पद से हटा दिया गया, हमने इन्हें त्यागपत्र दिलवा दिया, इनका टाइम जो कार्यकाल है वो भी हमने जान लिया। अब जान लेते हैं कि इनका वेतन कितना होता है। सबसे पहली बात आप जानिए कि उपराष्ट्रपति को वेतन जो है वो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता, इनको वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। और इनका जो वर्तमान वेतन है वो 4 लाख प्रति महीने है, हर मंथ उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो 4 लाख रुपए प्रति माह है। ठीक है, और इसी का आधा पर मंथ इन्हें मिलती है, रिटायरमेंट के बाद इन्हें पेंशन मिलती है। तो आप सोचिए कि उपराष्ट्रपति का जो प्रेजेंट में सैलरी है वो 4 लाख रुपए प्रति महीने है, ये हालांकि 1,25,000 रुपये थी, लेकिन 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद ये 4 लाख रुपये कर दी गई है। भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसके लिए पेंशन की व्यवस्था 1997 में की गई थी, 1997 से भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए पेंशन का प्रावधान किया गया है, इससे पहले इनके लिए कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके बाद जान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति के कार्य क्या होते हैं, उनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, ये कुछ बातें हम जान लेते हैं। देखिए भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है सबसे पहली बात वो राज्यसभा का सभापति होता है, हालांकि ये बात मैंने कई बार दोहरा दी है। अब राज्यसभा के सभी सभापति के रूप में वो बहुत सारे काम करता है। सबसे पहली बात, राज्यसभा की बैठक को बुला सकता है, राज्यसभा की बैठक को समाप्त कर सकता है, राज्यसभा की बैठक को स्थगित कर सकता है। दूसरी बात समझिए, जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है, वहाँ पर विधेयकों को पेश करवाता है, विधेयकों पर वोटिंग करवाता है। ठीक है, ये सारे काम देखता है राज्यसभा का सभापति, और राज्यसभा की जो गरिमा है, सदन की गरिमा है, उसे बनाए रखने का अधिकार भी राज्यसभा के सभापति का होता है। देखिए ये कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करता है भारत का उपराष्ट्रपति। कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में ये कितने टाइम तक काम कर सकता है, तो मैक्सिमम 6 महीने तक।
छः महीने तक भारत का उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में यानी कि कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है। अगर ऐसा राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या फिर उन्हें वो त्यागपत्र दे दें या फिर उन्हें महाभियोग के द्वारा अचानक से उनके पद से हटा दिया जाए तब ऐसा होता है। अच्छा, एक चीज़ हमें जाननी है कि इस दौरान राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते हैं क्या वो वही रहते हैं जो पहले उन्हें मिल रहे थे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब कोई भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो उसे निवास वही मिलता है यानी कि राष्ट्रपति भवन में रहता है, वही राष्ट्रपति वाली सिक्योरिटी मिलती है, वही उन्हें वेतन मिलता है, सभी सुविधाएं सभी चीज़ें सब राष्ट्रपति की तरह मिलती हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जिन विधेयकों को वो पास करता है वो विधेयक भी उसी तरीके से पास माना जाते हैं जिस तरीके से राष्ट्रपति के द्वारा पास किए जाते हैं। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ समझ लीजिए कि हालांकि जो उपराष्ट्रपति है उसका कार्यपालिका से कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन कार्यपालिका के सभी कार्यों से अवगत करवाती है सरकार उपराष्ट्रपति को। यानी कि उपराष्ट्रपति को सरकारी कामों के बारे में बताया जाता है कि हम क्या विधेयक लेके आ रहे हैं, बजट में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री चाहें तो उन्हें बैठकों में भी आमंत्रित कर सकते हैं, कार्यपालिका की बैठकों में। एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो जो हमारा उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति को कभी कभी यूज़ कर लेते हैं हम, जैसे कोई विदेशों से कोई मेहमान आ रहा है ना, उसको रिसीव करने के लिए कोई बड़ा राष्ट्रपति या किसी देश का कोई प्रधानमंत्री आ रहा है और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उसे रिसीव नहीं कर सकते एयरपोर्ट पर, तो उसके लिए हम उपराष्ट्रपति को भेज देते हैं। और एक और चीज़ है कि जैसे विदेशों में कोई मान लो संधि या समझौता करने के लिए जाना है तो उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं है, उस समय भी हम उपराष्ट्रपति को वहाँ भेज देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ काम है इनके बारे में। वर्तमान में भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो एम वेंकैया नायडू हैं। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।